हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सभी को एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों अभी WhatsApp पर एक नया फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नेम है प्रॉक्सी सेटिंग्स। आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने तीन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जा रहा हूँ। फर्स्ट, ये प्रॉक्सी सेटिंग जो ऑप्शन है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा WhatsApp में। दूसरा है, ये जो ऑप्शन है इसका यूज़ क्या है, किसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एंड तीसरा, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल्स करने वाला हूँ। तो चलिए सब वीडियो का मेन टॉपिक जाऊँगा, लेकिन उसके बाद वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो का मेन टॉपिक में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आ चुका अपना फ़ोन का स्क्रीन में। उसका दोस्तों आप चला जाइए अपनी फ़ोन का स्क्रीन में, मेरा वीडियो को पूरा स्टेप वाइज फॉलो कीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए WhatsApp बोल के। एंड यहाँ पे अगर आपके सामने ऐसा शो होता है, देखिए WhatsApp ओपन कंडीशन है, इसका मतलब आपका WhatsApp अभी अप टू डेट है। अगर यहाँ पे अपडेट दिखाता है तो अपडेट कर लीजिए, देन इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों राइट साइड में जो थ्री डॉट देखने के लिए मिलता है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। देन नीचे देखिए सेटिंग्स बोल के आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। उसका दोस्तों नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है, देख लीजिए स्टोरेज एंड डेटा बोल के, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एकदम नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पे आपको वो वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जो है प्रॉक्सी बोल के, प्रॉक्सी सेटिंग। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये कहाँ मिलता है। अभी बात करता हूँ इसको कैसे एनेबल करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपली बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो इसको सिंपली ऑन करना पड़ेगा। टैप कीजिए, यूज प्रॉक्सी आता है। ओनली यूज ए प्रॉक्सी इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट टू WhatsApp, योर IP एड्रेस मे बी विजिबल टू प्रॉक्सी प्रोवाइडर हुई इज नॉट WhatsApp। मतलब यहाँ पे आपको समझ में कुछ आ रहा है। ये जो लिखा है ये बोल रहा है अगर आपका WhatsApp बराबर नहीं चल रहा है, कभी कभी WhatsApp का सर्वर डाउन रहता है, कभी कभी आपका नेटवर्क का सर्वर डाउन रहता है, उस टाइम में आप चाहो तो प्रॉक्सी जो सेटिंग है इसको आप एनेबल कर सकते हैं। ये जो प्रॉक्सी सेटिंग है इसको एज यूजल आप कह सकते हैं ये एक VPN जैसा काम करेगा। अगर आपका नेटवर्क का स्पीड बहुत कम है उस टाइम में ये थोड़ा ज़्यादा कर देगा। एंड यहाँ पे लर्न मोर बोल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे टैप करके अब इसका डिटेल्स आप समझ सकते हैं कि ये सेटिंग क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। आप इसको पूरा इसको रीड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप रीड मत कीजिए, वो आपका ऊपर, लेकिन रीड जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बैक कर लेता हूँ, यहाँ से हट जाता हूँ। हाँ, आ चुका हूँ प्रॉक्सी सेटिंग में। एंड यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो इसको सिंपली यहाँ से एनेबल कर लूँगा। एंड नीचे आ जाएगा प्रॉक्सी सेटिंग बोल के नॉट सेट, तो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप सिंपली टैप कर दीजिए, देन यहाँ पे आपको एक प्रॉक्सी नंबर देना पड़ेगा। प्रॉक्सी नंबर आपको कहाँ मिलेगा? प्रॉक्सी नंबर आपको दो तरीके से मिलता है, एक है पेड वाला, एक है फ्री वाला। तो पेड वाला भी आप ले सकते हैं, उसको ज़्यादा काम होगा, अच्छा काम होगा। एंड फ्री वाला भी आप ले सकते हैं। तो गूगल में जाइए, वहाँ पे बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। देन यहाँ पे आप नंबर को इसे टाइप कीजिए, देन इसे सेव कीजिए। जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा, बराबर नंबर नहीं मिलेगा तब तक कनेक्ट नहीं हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तब आप प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब प्रॉक्सी में आप यूज़ करेंगे तो आपका जो लोकेशन है वो ट्रैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे थे कि आपका आईपी एड्रेस जो प्रॉक्सी प्रोवाइडर कर रहा है उनके पास चला जाएगा, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से आपका लोकेशन वो ट्रैक कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो मैसेज वगैरह है, जो वीडियो कॉल ऑडियो कॉल, वो सब यहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्ट रहता है, जैसे WhatsApp जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे बताया गया है। तो ये था दोस्तों प्रॉक्सी का सेटिंग आप कैसे एनेबल कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ये जो प्रॉक्सी सेटिंग इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। देखो दोस्तों, ये जो प्रॉक्सी सेटिंग है सभी के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है। ये जो लोग इंटरनेशनल कॉल वगैरह करता है, बहुत इंटरनेशनल आदमी से कनेक्ट है वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करने के लिए, उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे लिए ये इतना नहीं है, क्योंकि हम लोग WhatsApp में ना ही बिजनेस करते हैं, ना ही इतना आउटसाइड में कनेक्ट है इंटरनेशनल कॉल वगैरह करते हैं, तो हम लोगों के लिए इस फीचर का कुछ यूज़ नहीं है। तो अभी आपका वाला आप जाइए फटाफट अपनी WhatsApp को चेक करके देखिए ये जो प्रॉक्सी सेटिंग आपको मिला है या नहीं मिला है, वो कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये सेटिंग आपको यूजेबल है बोले तो आपको ज़रूरत है या नहीं है वो कमेंट करके जरूर बताना। इसके बारे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे शो हो रहा है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली आंसर करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर जबरदस्त अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।